चंद्रपुर जिले की शराबबंदी हटाने के विरोध में पद्मश्री डॉक्टर अभय बम, किसान नेता एडवोकेट वामन राव चटक, सामाजिक कार्यकर्ता देवाजी तोफा, महिला संगठन के दो प्रतिनिधियों ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। करीब 6 माह पहले चंद्रपुर जिले से शराबबंदी हटाई गई, जिसके विरोध में अब उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। पद्मश्री डॉक्टर अभय बंग, सामाजिक कार्यकर्ता देवाजी तोफा, किसान नेता एडवोकेट वामन राव चटप व महिला संगठन के दो प्रतिनिधियों ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। गौरतलब है कि औद्योगिक चंद्रपुर जिले में अप्रैल 2015 में शराबबंदी हुई। शराबबंदी निर्णय के विरोध में लीकर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में दौड़ लगाई। राज्य सरकार ने लिए चंद्रपुर जिला शराबबंदी का निर्णय उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में उचित साबित किया। इसके बाद शराबबंदी के दुष्परिणाम सामने आने लगे। ऐसे में राज्य सरकार ने रमनाथ झा समिति का आधार लेकर शराबबंदी हटाकर शराब की दुकानें शुरू कर दी, जिससे चंद्रपुर के साथ गढ़चिरौली व वर्धा जिले के नागरिकों में रोष व्यक्त किया गया। शराबबंदी हटाने के बाद भी झा समिति की रिपोर्ट अनेक दिनों से गुप्त रखी गई। इस रिपोर्ट पर कोई भी चर्चा राज्य सरकार ने नहीं होने दी। चंद्रपुर की शराबबंदी हटाने का निर्णय अन्यायकारक व जनहित विरोधी होने की बात कहते हुए पुनर्विचार करने का आह्वान राज्य सरकार को अनेक सामाजिक संस्था, संगठन और महिलाओं ने किया था, परंतु राज्य सरकार का प्रतिसाद नहीं मिला। सामाजिक संस्था व विविध आंदोलन के नेताओं ने न्यायालय की राह अपना कर डॉक्टर अभय बंग, एडवोकेट वामन राव चटप, देवाजी तोफा, पूर्णिमा निरंजने, तेजस्विनी कावले ने यह प्रकरण दाखिल किया है। मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अवर सचिव, गृह विभाग, जिलाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के विभागीय आयुक्त को प्रतिवादी किया गया है। इस याचिका में राज्य सरकार के शराबबंदी हटाने के निर्णय को स्थगिति मिले व नशा मुक्ति नीति 2011 पर कड़ाई से अमल करने की मांग करते हुए यह याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका के माध्यम से शराबबंदी कानून व व्यापक जनहित के मुद्दे रखे जाने की जानकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई है। राज्य के पूर्व महाअधिवक्ता एडवोकेट श्री हरि अने, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट उदय वारुणकर के माध्यम से याचिका दाखिल की गई है। इस संदर्भ में किसान नेता एडवोकेट वामन राव चटप ने जानकारी दी। सुशासन ने चालू आर्थिक वर्षात चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू दुकानी सुरू करण्याचा व दारू बंदी उठवण्याचा घेतलेला निर्णय, त्या निर्णयाविरुद्ध डॉक्टर अभय बंग साहेब, देवाजी तोफा, मी स्वतः, पूर्णिमाबाई निरंजने आणि तेजस्विनी कावळेताई असे आम्ही हायकोर्टात गेलो। कारण महिलावर होणारे अन्याय, नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम, कायदा सुव्यवस्थेचा निर्माण होणारा प्रश्न, शिवाय घराघरात डोमेस्टिक व्हायलन्सचे वाढणारे गुन्हे 498 आणि पोटगीच्या वाढणाऱ्या केसेस, या सर्व बाबी गृहीत धरून आम्ही कोर्टात गेलो आणि कोर्टाला विनंती केली आहे की दारूबंदी उठवलेला हा सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे, तो रद्दबातल ठरवावा। आणि सदर केस आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती। मुंबई उच्च न्यायालयाने ती केस आता नागपूर बेंचकडे ट्रान्सफर केली आहे आणि नागपूर बेंच पुढे त्याचं हिअरिंग होऊन त्याचा निर्णय होईल।